आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की, तो अब ऑनलाइन जानी कोरोना जांच का परिणाम। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने नई पहल की है। इसके तहत अब कोई भी व्यक्ति कोरोना जांच के लिए सैंपल देने के बाद ऑनलाइन अपनी जांच रिपोर्ट ले सकता है। जांच रिपोर्ट ईमेल के साथ ही मोबाइल फोन से भी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए शुक्रवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है। श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में अपील स्वीकार। तो श्री कृष्ण जन्म स्थल मामले में दायर अपील शुक्रवार को जिला अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर दिया। साई मस्जिद ईदगाह कमेटी समेत सभी चार प्रतिवादी को नोटिस जारी किए गए हैं। नीट में आफ्ताब और आकांक्षा सिंह का परफेक्ट स्कोर। तो देश में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए आयोजित की गई प्रवेश परीक्षा में पहली बार दो अभ्यर्थियों ने 100% अंक हासिल करके इतिहास रच दिया है। उड़ीसा के शोएब आफ्ताब और दिल्ली के आकांक्षा सिंह ने 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं। शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह की घर में घुसकर के हत्या की गई है। तो खबर है पंजाब से, जहां पर पंजाब में आतंकियों का डटकर मुकाबला करने वाले शौर्य चक्र विजेता 59 वर्षीय कामरेड बलविंदर सिंह सिंधु की शुक्रवार 7 बजे बाइक से आए दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तराखंड में स्वस्थ हुए मरीजों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया है। तो अब हर 10 में से 9 जीत चुके हैं कोविड-19 से जंग। अबूधाबी से लौटा दून का शख्स दिल्ली में लापता हो गया। तो अबूधाबी से लौटा देहरादून का एक शख्स दिल्ली एयरपोर्ट से लापता हो गया। सूचनाओं के मुताबिक उसे दिल्ली से ओमान के लिए फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन न तो वो ओमान गया और न ही देहरादून, इसलिए अपने घर ही वापस आया। दून के उज्ज्वल ने 680 अंकों के साथ शीर्ष पर। तो वेबसाइट हैंग होने के कारण छात्रों को करना पड़ा लंबा इंतजार। रिजल्ट देख करके खिल गए चेहरे। सरकारी कॉलेजों में 530 अंक तक सीट मिलेगी। तो नीट का परिणाम जारी होने के बाद अब छात्रों के मन में यह सवाल है कि उन्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा। उत्तराखंड की बात करें तो सरकारी कॉलेज में 530 से 540 अंक तक MBBS की सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। देहरादून में अतिक्रमण टूटे कम, विरोध हुआ ज़्यादा। तो अतिक्रमण हटाने अभियान के चौथे दिन सबसे कम अतिक्रमण तोड़े गए, मगर इसमें भी अधिकारियों को सबसे अधिक विरोध झेलना पड़ा। इसके चलते कार्रवाई बीच बीच में बाधित भी होती रही। हालांकि शाम तक 116 अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। अतिक्रमण के खिलाफ कैंट बोल्ट क्षेत्र में चलेगा अभियान। तो नगर निगम देहरादून के अंतर्गत आने वाले इलाकों के बाद अब छावनी परिषद के क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाओ का अभियान चल सकता है। सीएम त्रिवेंद्र ने लॉन्च की 105 करोड़ की परियोजनाएं। तो माता मंगला ने दिया जन्मदिन पर जनता का तोहफा। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को माता मंगला के जन्मदिन के अवसर पर सीएम आवास पर हंस फाउंडेशन की राज्य के लिए 105 करोड़ रुपए की योजनाओं को लॉन्च किया। इसमें हंस जलधारा योजना के तहत करीब 200 गाँवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। दो नेपाली मरीजों के लिए एक घंटे खुला झूला पुल। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे नेपाल भले ही गलत तथ्यों के आधार पर सीमा विवाद को तुल देश संबंधों में खटास डालने की में तुला हुआ है, लेकिन भारत समय समय पर मित्रता का संदेश देने के से पीछे नहीं हटता। शुक्रवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। नेपाल के दो मरीजों की हालत गंभीर हुई, तो बेहतर इलाज के लिए भारत ने बिना देर किए धारचूला स्थित अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खोल दिया। छात्रों के बीच रहेगी 6 फीट की दूरी। तो प्रदेश में नवंबर माह में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं चलाने के लिए सरकार के फैसले के बाद शिक्षा विभाग मानक प्रचालन कार्यविधि यानी SOP जारी कर दी है। तो यह तकरीबन तय किया गया है कि कक्षाओं में पढ़ाई के दौरान छात्रों के बीच 6 फीट की सुरक्षित दूरी रखी जाएगी। विश्व में लहराया 101 फीट ऊंचा तिरंगा। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जब शान से लहराता है तो उसे देख प्रत्येक भारतवासी का हृदय भावों से भर जाता है। इसी उद्देश्य से विधानसभा परिसर में स्थापित 101 फीट ऊंचा तिरंगा शुक्रवार को फहराया गया। बात करते विकास नगर की खबरों की, तो विधायक ने कहा धान खरीद की सीमा बढ़ाएं। तो केंद्र की खामियों तथा खरीद लक्ष्य पूरा करने के दिए निर्देश, किसानों को समय से खरीद का आश्वासन दिया। वही खबर आई है विकास नगर से, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म मामले में ट्रक चालक गिरफ्तार किया गया है। तो कोतवाल पुलिस ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में ट्रक चालक को रामगढ़ हरपटपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने मदद का झांसा देकर नाबालिग से ट्रक में दुष्कर्म किया। लावारिस हाल में मिली किशोरी की पुलिस, बाल कल्याण अधिकारी व चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम ने काउंसिलिंग की, तो पूरा घटनाक्रम सामने आया। पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया है। वहीं खबर आई है काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। तो शुक्रवार को विद्युत डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने बैनर तले डाक पत्थर में यमुना घाटी में सदस्यों के निरीक्षण भवन में बैठकर बैठक की, जिसमें विभिन्न मांगों को लेकर के विचार विमर्श किया।
बाइक की किस्त के नाम पर ठगे 7,000 रुपए। तो विकास नगर से खबर है जहाँ पे कोतवाल अंतर्गत टकरानी में एक व्यक्ति के लोन पर ली गई बाइक के किस्त के रूप में 7,000 रुपए ठग कर आरोपी फरार हो गए। ऋषिकेश की खबरों की बात करें तो शहीद स्मारक सहित कई दुकानों को हटाया गया। तो हरिद्वार रोड पर जयराम आश्रम तिराहे से टैक्सी यूनियन के कार्यालय तक हटाया गया अतिक्रमण। वही खबर है ऋषिकेश से जहां पर डॉक्टर से अभद्रता के आरोपित के खिलाफ तैयारी। तो स्वास्थ्य अधिकारी ने वन कर्मियों के एक दर्जन स्वजनों के खिलाफ सैंपल न देने पर तहरीर दी है। सात माह बाद पर्यटकों के लिए खुली 84 कुटी। तो ऋषिकेश से खबर है जहाँ पर राजा जी टाइगर रिजर्व की गोहरी रेंज में स्थित 84 कुटी को आखिरकार 7 माह बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। छात्रवृत्ति घोटाले की सीबीआई जांच से सरकार सहमत नहीं। तो मुख्य सचिव ने जांच सीबीआई को सौंपने का विरोध किया है। कुमाऊं मंडल में होगी 759 एलटी शिक्षकों की नियुक्ति। तो कुमाऊं मंडल में एलटी शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए 759 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर जबकि लिखित परीक्षा अगले साल अप्रैल में प्रस्तावित है। कुल 1431 पदों पर नियुक्ति होगी। सहायक अध्यापकों की 13 पदों के लिए शैक्षिक योग्यता अलग अलग है। तो अपर शिक्षा निदेशक मुकुल सती ने बताया कि कुमाऊं में एलटी के 1245 जबकि प्रवक्ता के 1900 पद रिक्त हैं। वर्तमान में इन पदों पर गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं। बैंक लोन धोखाधड़ी का आरोपी धरा गया। तो खबर है देहरादून से जहां पे 8 महीने से फरार चल रहा था आरोपी ने लिया था 40 लाख रुपए का लोन। नौकरी के नाम पर 50,000 रुपये ठगे गए हैं। तो प्रेमनगर के एक व्यक्ति से जालसाज ने एयर इंडिया में नौकरी लगवाने के नाम पर 50,000 रुपये की ठगी कर ली। हौसलों ने भरी उड़ान तो छोटा पड़ गया आसमान। उत्तरकाशी जिले के लोनथ्रू गांव निवासी संविता कंसवाल ने विपरीत परिस्थितियों से लड़कर के बनाया रास्ता। शारदीय नवरात्र आज से मंदिर में श्रद्धालु नहीं छू सकेंगे मूर्ति। तो आज से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। बच्चों को स्कूल भेजने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। तो ज्यादातर अभिभावक अब भी स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है। घर से स्कूल तक के सफर को लेकर के आश्वस्त नहीं है। डीएलएड परिस्थितियों का धरना जारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मिले हैं। तो प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति की मांग कर रहे डीएलएड द्विवर्षीय परिस्थिति का धरना शिक्षा निदेशालय में शुक्रवार को 19वें दिन भी जा रहा है। इस दौरान परिस्थितियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत से मुलाकात कर राज्य सरकार और शिक्षा मंत्री तक उनकी मांग पहुँचाने की गुहार लगाई। परिस्थितियों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्राथमिक विद्यालयों में उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया, इसलिए शिक्षा विभाग को देरी किए बगैर डीएलएड परिस्थितियों की नियुक्ति देनी चाहिए। परिस्थित ने कहा कि नियुक्ति नहीं होने तक उनका विरोध जारी रहेगा। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो गढ़वाल से खबर है जहाँ पे पौड़ी पुलिस ने 3 साइबर ठगों को राजस्थान से गिरफ्तार किया। आरोपित राजस्थान के भरतपुर से चला रहे थे ठगी का गिरोह। वहीं खबर है रुद्रप्रयाग से जहां पर नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में एक को गिरफ्तार किया गया। तो नाबालिग की लड़की का पीछा कर उससे छेड़छाड़ करने वाले आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया, जिसके बाद उसे 14 दिन की रिमांड पर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तोता घाटी में सड़क तैयार हो गई, आज SDM करेंगे निरीक्षण। तो बद्रीनाथ राजमार्ग तोता घाटी के पास सड़क सही कर दी गई है। शनिवार को SDM कीर्तिनगर के निरीक्षण के बाद वाहनों का संचालन शुरू किया जाएगा। बीते मार्च माह से ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग का ऑल वेदर रोड का निर्माण चलने के दौरान देवप्रयाग के पास तोता घाटी में सड़क बंद थी। पहाड़ कटिंग के दौरान भारी मलबा हटाने के लिए NHA ने प्रशासन से यहाँ पर वाहनों का संचालन बंद करने की अनुमति मांगी थी। आज बंद होंगे चतुर्थ केदार रुद्रनाथ की कपाट। तो चमोली जिले में समुद्र तल से 11,808 फीट की ऊंचाई पर स्थित चतुर्थ केदार रुद्रनाथ का धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवा को लेकर धरने पर भीमलाल। तो खबर आई है घनसाली से जहां पे CSC बालेश्वर में डॉक्टर समेत अन्य सुविधाओं की कमी पर पूर्व विधायक खपा हैं। प्रवेश सूची विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध हो गई है। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के श्रीनगर पौड़ी और टिहरी तीनों परिसरों के स्नातक प्रथम सेमेस्टर के प्रवेश को लेकर मेरिट प्रवेश सूची में स्थान पाए छात्रों की सूची विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
ग्रामीणों ने विष्णुगढ़ परियोजना का कार्य बंद करवाया तो विभिन्न मांगों को लेकर के बीते कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं ग्रामीण। बीटेक में 92 छात्रों को मिला प्रवेश, तो खबर आई है श्रीनगर गढ़वाल से। वहीं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में प्रवेश सूची जारी हो गई है, तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने 5 वर्षीय एमएससी पाठ्यक्रम का प्रवेश सूची शुक्रवार को जारी कर दिया। मिर्जापुर से गुमशुदा युवक केदारनाथ में मिला है, तो सज्जनों ने बताया था कि घर से लापता युवक की केदारनाथ जाने की सूचना मिली है और उन्होंने गुमशुदा युवक का फोटो भी भेजा था। खबर आई है श्रीनगर गढ़वाल से, जहाँ पे डिग्री शुल्क जमा करने लग रही छात्रों की भीड़, तो प्रवक्ता पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। एलटी व अन्य पदों पर नियुक्तियों को लेकर आवेदन किए जा रहे हैं। इसे लेकर बड़ी संख्या में युवा डिग्री लेने के लिए आजकल विश्वविद्यालय के केस काउंटर पर पहुँच रहे हैं। जिन युवाओं को अभी तक डिग्री नहीं मिली है वह प्रोविजनल डिग्री लेने पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में पहुंच रहे अभ्यर्थियों से शारीरिक दूरी का पालन करवाने के लिए भी दिक्कतें आ रही हैं। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के केस काउंटर प्रभारी हरीश आर्य ने बताया कि बीते 2 दिनों में प्रतिदिन 500 से 600 युवा प्रोविजनल डिग्री शुल्क के लिए कैश काउंटर पहुंच रहे हैं। विश्वविद्यालय सुरक्षाकर्मी की सहायता से शारीरिक दूरी बनवाए रखने को लेकर के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। 3 विषयों की स्वीकृति के साथ प्रवेश शुरू, तो राजकीय महाविद्यालय जोशीमठ में 3 नए विषयों की स्वीकृति मिलने के साथ ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। खबर यह है कोटद्वार से, जहां पे महिला ने लगाई झूला पुल से छलांग गंभीर, तो कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला ने झूला पुल से छलांग लगा दी। गृह क्लेश के कारण महिला ने यह कदम उठाने की बात सामने आ रही है। बात करते हरिद्वार की खबरों की, तो नहरबंदी से कुंभ कार्यों को मिली गति, तो शुक्रवार को नहरबंदी के बाद शुरू हुए कुंभ के तहत होने वाले रुके निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं। वहीं 10 नवंबर तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। गंग नहर में 2 महिलाओं के शव मिलने से सनसनी फैल गई, तो हरिद्वार से खबर है, जहां पे ज्वालापुर में गंग नहर में 2 महिलाओं के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों शव जटवाड़ा पुल के नज़दीकी रेगुलेटर में फंसे थे। नहर बंद होने पर सिक्के धातु ढूंढने पहुंचे लोग अचानक 2 शव देखकर सहम गए। डेंगू को लेकर जागरूक किया गया है, तो खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे सिडकुल एंटरप्रेन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से सिडकुल क्षेत्र में डेंगू को लेकर के जन जागरूकता अभियान चलाया गया। एल्युमिनियम के साथ आरोपी धरा गया है, तो हरिद्वार से खबर आई, जहाँ पे सिडकुल की फैक्ट्री से कोलकाता भेजा जा रहा था 32 लाख रुपए का एल्युमिनियम। छात्रों के बीच रहेगी 6 फीट की दूरी, तो शिक्षा सचिव आर्मी राजचंद्रम ने एसओपी जारी कर दी है। अल्मोड़ा की खबरों की बात करते हैं, तो अल्मोड़ा से खबर आई, जहाँ पे सेहत बिगड़ने पर भी प्रशासन मौन, तो गुस्साए ग्रामीण अनशनकारियों को खुद ले गए निजी अस्पताल, बोले हक लेकर रहेंगे। वही खबर है ये बागेश्वर से, जहाँ पे 96 पौवे शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। तीसरे दिन भी धधकता रहा जंगल, तो बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे कुकुड़ा माई की जंगल शुक्रवार को भी तीसरे दिन धधकते रहे। बुरे दौर से गुजर रही अल्मोड़ा पालिका, तो आमदनी घटी, खर्च बढ़ने से आर्थिक संकट बना हुआ है। 20 से दौड़ेगी जनशताब्दी, तो काठगोदाम हावड़ा ट्रेन के बाद रेलवे ने दिल्ली का सफर भी आसान करने की तैयारी शुरू कर दी है। काठगोदाम दिल्ली के लिए 20 अक्टूबर से शताब्दी एक्सप्रेस का संचालन शुरू होगा। बात करें नैनीताल की खबरों की, तो खस्ता हाल सड़क ठीक न करने पर जब्त होगी 8 लाख रुपए की धनराशि। वही खबर आई है, राजभवन रोड की पहाड़ी से बोल्डर गिरने से मची भगदड़, तो शहर के मल्लीताल राजभवन रोड की पहाड़ी से विशालकाय बोल्डर मल्लीताल न्यू पालिका बाजार की दुकान के सामने आ गिरे। दुकान की छत पर पैदल मार्ग पर भी बोल्डर आने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि बोल्डर की चपेट में कोई भी व्यक्ति नहीं आया। व्यापारी ने विधायक संजीव आर्य को पूरे प्रकरण से अवगत कराया। वहीं खबर आई है नैनीताल से, जहां पर प्रोविजनल डिग्री को मेले जैसा माहौल लग गया है, तो प्रवक्ता व एलटी शिक्षक की नियुक्ति के विज्ञापन जारी होने के बाद कुमाऊं विश्वविद्यालय में प्रोविजनल डिग्री समेत डिग्री कक्षाओं के संबंधित अंक तालिका व प्रमाण पत्र में त्रुटि सुधार के लिए विद्यार्थी व उनके स्वजनों का मेला लगा है। 4 दिन में विश्वविद्यालय प्रशासन भवन में 5,000 से अधिक प्रोविजनल डिग्री जारी कर चुका है।
खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पर युवती पर झपटा गुलदार दहशत। तो नगर बैरीनाग से खबर आई, जहां पे नगर पंचायत बैरीनाग के भट्टी गांव वार्ड में भट्टी गांव में एक युवती पर गुलदार ने झपट्टा मारा। परिजनों द्वारा हल्ला मचाए जाने पर गुलदार भाग गया। वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे बाजार में जुआ खेल रहे चार को गिरफ्तार किया गया है। लापता नाबालिग को पुलिस ने किया बरामद। तो खबर है गंगोली हाट से, जहां पे तहसील क्षेत्र की एक युवती गुरुवार को अपने घर दसाई थल बैंक में आई थी। इसके बाद युवती घर नहीं लौटी। देर शाम तक युवती के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। नाबालिग युवती के लापता होने से तहसील क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए युवती के लापता होने की सूचना फेसबुक पर अपलोड कर दी और पोस्टर तहसील क्षेत्र में वितरित कर दिए। वहीं खबर है ये लोहा घाट से, जहाँ पर लापता युवक का पेड़ से मिला शव। तो खेती खान एक स्कूल पीछे पाँच दिन से लापता युवक का संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका हुआ शव मिला। चार रूटों पर फिर से बस सेवा शुरू हो गई है। तो खबर है लोहा घाट से, जहाँ पर लोहा घाट डिपो ने बहाल की सेवाएं। त्योहारी सीजन में प्रवासियों को राहत मिली है। छह साल में ही सिमट गया पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो कॉलेज के बंद किए जाने के आदेश से विद्यार्थी परेशान हैं। तो चंपावत से खबर आई है, इग्नू पाठ्यक्रम में एनसीसी शुरू करने की मांग उठाई गई है। तो टनकपुर से खबर आई है, बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो हत्या के खुलासे की जगी उम्मीद, मिले अहम सुराग। तो पाँच दिन के हत्यारे की तलाश में जुटी पुलिस टीम को सफलता हाथ लगी है। अब तक हुई जाँच और संदिग्धों से पूछताछ के बाद पुलिस को हत्या से जुड़े कई सुराग मिले हैं। वहीं खबर है काशीपुर से, जहाँ पर लोन दिलाने के नाम पर दुष्कर्म केस दर्ज किया गया। तो पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर एक महिला से लोन दिलाने के नाम पर 50,000 रुपये हड़पने और उसके साथ दुष्कर्म करने व वीडियो क्लिपिंग बनाने का आरोपित के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं खबर है यह खटीमा से, जहाँ पे नेपाल सीमा पर पकड़े गए पटाखे व चाइनीज मटर। तो भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने गश्त के दौरान पिकअप में 34 बोरी चाइनीज मटर और 90 पैकेट इलेक्ट्रिक पटाखे बरामद किए। हालांकि तस्कर मौके से भागने में कामयाब रह गए। कोर्ट में पेश हुए शिक्षा मंत्री, मिली जमानत। तो वर्ष 2015 में तहसीलदार से मारपीट का मामला में दर्ज किया गया था केस। वारंट जारी होने के बाद हाजिर हुए। खबर है जसपुर से, जहाँ पे खेत में मिली बच्ची का छद विच्छद शव ले गया था तेंदुआ। तो चार दिन पूर्व ईंट भट्टे पर मजदूरी करने आए प्रवासी मजदूर के परिवार की बेटी पर तेंदुए ने हमला कर मौत की घाट उतार दी। किशोरी का आधा शव एक गन्ने के खेत में मिला। घटना स्थल पर पहुंची वन विभाग व पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। झाड़ी में मिले घायल युवक की मौत, दो लोगों पर केस दर्ज किया गया। तो डाकिया गुलाबों में संदिग्ध हालत में झाड़ियों में मिले युवक की निजी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। परिजनों ने दो लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं रुद्रपुर से खबर है, जहां पर संदिग्ध हालत में महिला की मौत हो गई। तो संदिग्ध हालत में एक महिला की मौत हो गई, इसके बाद पति शव छोड़कर चला गया। उत्तराखंड में होगी 2000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती। तो सरकारी बेसिक स्कूलों में करीब 2000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्रवक्ता और एलटी कैडर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद सरकार ने बेसिक शिक्षकों पर फोकस किया है। आर्मी सुंदरम ने इसकी पुष्टि की है।